हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर टुडेज लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे सेल, इट्स ईएमएफ एंड इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास रेसिस्टर है, तो उससे स्टेडी करंट फ्लो करने के लिए हमें एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। वो पोटेंशियल डिफरेंस उस रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं, लेट अस कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इंटरनल रेसिस्टर, हमारे पास एक रेसिस्टर है R, दिस इज एक्सटर्नल। इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दैट एक रेसिस्टर है हमारे पास R, अब इससे करंट फ्लो कर रहा है I, ये करंट स्टेडी करंट है। तो इस रेसिस्टर से ये स्टेडी करंट I फ्लो करने के लिए हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा इस रेसिस्टर के अलावा। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दिस टर्मिनल इज A एंड दिस टर्मिनल इज B। सो हमारे लिए ये मस्ट है कि इस रेसिस्टर से अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कराना है तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। इसी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम सेल करता है। फॉर एग्जांपल अगर इस रेसिस्टर को हम किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, ये एक रेसिस्टर है हमारा, हमने इस रेसिस्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो सेल है वो इस रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, जिसके कारण ये स्टेडी करंट इस रेसिस्टर में फ्लो होगा। सो बेसिकली हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल रेसिस्टर हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, उनके अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम सेल का यूज करते हैं। नाउ हर सेल की अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल का एक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स यू कैन से दैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे सेल का। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सेल के बारे में। सेल में सबसे पहले एक कंटेनर होता है, सेल का ये कंटेनर है मान लेते हैं, उसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सेल में ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इसको हम स्ट्रेट थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल में, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हमने P से डिफाइन किया, दिस वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स जिसको हमने N से डिफाइन किया, और ये जो कंटेनर के अंदर होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। सो फाइनली ये दो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं। फाइनली हम देखेंगे, मान लेते हैं हम कोई एक्सटर्नल रेसिस्टर इस सेल से कनेक्ट करते हैं, इस एक्सटर्नल रेसिस्टर की वैल्यू है R। लेट अस कंसीडर करते हैं कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सेल इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, तो उससे जस्ट एडजेसेंट जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो पॉइंट है उसको हम A से डिफाइन करते हैं, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के एडजेसेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसको हम B से डिफाइन करते हैं। नाउ अब
कुछ एजम्पशंस हम ये भी करेंगे कि इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस जो है विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एडजेसेंट टू इट, क्या मतलब हुआ इसका कि इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में, जो इसका एडजेसेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसके अराउंड जिसके कॉन्टेक्ट में ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, सो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं V से डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल VPA पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एडजेसेंट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज VPA. इसको हमने डिनोट किया V पॉजिटिव से. सिमिलरली अब हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे. सो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स एडजेसेंट टू विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच इज एडजेसेंट टू दिस. फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल डिफरेंस इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का उस किसके रिस्पेक्ट में, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसके कॉन्टेक्ट में है, यानी कि वी एन बी की अगर हम बात करते हैं सो माइनस ऑफ वी माइनस, ये वी माइनस ग्रेटर देन जीरो है सो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो गया. नाउ अब हम देखेंगे कि अगर इन द केस अगर जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वेरी लार्ज देन है जीरो से, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अगर आर इनफाइनाइट है इन द केस, या हम ये भी आर ग्रेटर देन जीरो ना लिख के हम आर इनफाइनाइट अगर एस लिखते हैं यहां पे, आर इनफाइनाइट लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आर बहुत बड़ा है जिसके वजह से इसमें करंट कोई इस सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा, यानी बैटरी जो या सेल जो है वो कोई करंट इस रेसिस्टर में फ्लो नहीं करा रहा है, मीन्स ये सर्किट हम कह सकते हैं ओपन सर्किट है. इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी पी एन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज, यहां हम लिखते हैं वी पी एन जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस, सो दिस इज वी पी ए माइनस वी एन बी. सो दिस हम क्या लिख सकते हैं वी पी ए माइनस वी अब हम जानते हैं बी पी ए की वैल्यू कितनी थी V पॉजिटिव माइनस ऑफ V एन बी की वैल्यू है माइनस V नेगेटिव. सो फाइनली हमने देखा कि जो V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स क्या मिला हमें, V पॉजिटिव प्लस V माइनस नेगेटिव और यू कैन से दैट V नेगेटिव. ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट टू द इलेक्ट्रोलाइट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड. सो फाइनली हमें पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर सर्किट ओपन है, यानी अगर सेल जो है कोई करंट रेजिस्टर को नहीं दे रहा है, करंट फ्लो नहीं करा रहा, सर्किट ओपन है, या हम कह सकते हैं कि सेल कोई काम नहीं कर रहा है, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसको हम बोलते हैं ई, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल. सो हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल. सो नाम इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रो मोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. नाउ अब नाम से तो लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को
कोई फोर्स है, बट ऐसा नहीं है। ये एक क्योंकि इनिशियली रिप्रेजेंट इसको हमने ईएमएफ से कहा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया, इसलिए हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। बट एक्चुअली जो ईएमएफ है वो क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोड्स के बीच का। क्योंकि हमने देखा वीपीएन जो ईएमएफ के बराबर है वो दोनों पोटेंशियल टर्म है, दोनों पोटेंशियल टर्म का सम है। सो बेसिकली ये फोर्स नहीं हो सकता, दो पोटेंशियल टर्म का अगर हम सम करते हैं तो रिजल्टेंट पोटेंशियल ही मिलेगा, हमें फोर्स नहीं मिलेगा। सो नाम से कंफ्यूज हम नहीं होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड्स इन एन ओपन सर्किट, वेन द सर्किट ऑफ द सेल कनेक्टेड टू द रजिस्टर इज ओपन। हम इसको ऐसे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे कि ईएमएफ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड का, कब, जब सेल कोई करेंट फ्लो नहीं करा रहा हो, यानी जब सेल वर्किंग कंडीशन में ना हो। इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब हम बात करेंगे, हमने लिया था आर इनफाइनाइट, इनिशियल केस में क्या लिया था, आर इनफाइनाइट है, आर बहुत बड़ा है, इन दैट केस ओपन सर्किट हमने अज्यूम किया था। क्यों, क्योंकि आर अगर बहुत बड़ा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि करंट कोई विड्रॉ बैटरी से नहीं हो रहा है, बैटरी कोई करंट नहीं फ्लो करा रहा, तो वो सर्किट ओपन है। उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स का, उसको हमने क्या बोला, ईएमएफ ऑफ सेल। अब हम बात करेंगे अगर आर इनफाइनाइट नहीं है, अगर आर की वैल्यू फाइनाइट है, इफ आर इज फाइनाइट, अगर आर इज फाइनाइट, ऑब्वियसली अगर आर फाइनाइट है तो बैटरी, क्योंकि हमने बताया था कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, यानी ये अगर हमने पॉइंट इस दो टर्मिनल है रेसिस्टर का उसके अक्रॉस अगर आर की वैल्यू फाइनाइट है तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिसके कारण करंट फ्लो होगा। लेट अस कंसीडर करते हैं ये करंट है आई। अब क्या होगा इन दैट केस, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड्स की, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है बैटरी से फिर उस केस में क्या होगा दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। उसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अगर रेजिस्टर फाइनाइट रेजिस्टर हमने सेल से कनेक्ट किया, इन दैट केस आउटर सर्किट में, ये मानते हैं बैटरी का इंटरनल पार्ट है और ये एक्सटर्नल पार्ट है, तो एक्सटर्नल जो रेजिस्टर है उसमें करंट P2N यानी पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रोड फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। अंदर क्या होता है, इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द बैटरी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव प्लेट है, तो ऑब्वियस बात है ये पॉजिटिव अगर प्लेट है तो ये प्लेट निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव आयंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी निगेटिव आयंस जो होंगे सर्किट में ये इधर फ्लो करेंगे, और पॉजिटिव आयंस जो होंगे क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है तो पॉजिटिव आयंस इधर फ्लो करेंगे, बिकॉज वी नो कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि निगेटिव आयंस इधर फ्लो कर रहे हैं इसका मतलब करंट जो है इनसाइड द बैटरी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अगेन हम देखेंगे कि जब हमने एक फाइनाइट रेजिस्टर बैटरी से कनेक्ट किया, इन दैट केस जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसमें करंट पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है, और इंटरनल रेजिस्टर में, या इंटरनल रेजिस्टर तो हमने नाम दिया कहां से आया बताते हैं, इंटरनल इनसाइड द बैटरी यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो करंट होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नाउ क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट से करंट इनिशियली जब आर इनफाइनाइट था ज्यादा था तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट से भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, बट अगर आर फाइनाइट हो गया तो एक्सटर्नल में भी करंट फ्लो कर रहा है तो इंटरनल मीन्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी करंट फ्लो करेगा। अब क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट है
दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, ये एक रेसिस्टेंस ऑफर करता है करंट को। इस रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। सो हमने एक और टर्म देखा, इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी जब R फाइनाइट है तो उस केस में अब इंटरनल रेसिस्टेंस का भी टर्म इंक्लूड होगा। सो इंटरनल रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द सेल। यानी जब सेल को एक ऐसे रेसिस्टर से हमने कनेक्ट किया कि सेल से करंट विड्रॉ हो रहा है, इन दैट केस जो रेसिस्टेंस सेल का इंटरनल सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट बैरियर करता है, जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, जो इंटरनल पार्ट ऑफ सेल है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। सो एक रफ टॉक में हम बोल सकते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का अपना रेसिस्टेंस है, जो बैटरी खुद रेसिस्टेंस ऑफर करता है। सो अब क्या होगा आर फाइनाइट के केस में, अगर हमें पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, सो लेट अस कंसिडर VPN। अब VPN की बात आई, VPN क्या होगा, VPA प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस ए भी हम कंसिडर करेंगे, इनिशियल केस में नहीं किया था क्योंकि उस केस में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, बट इस केस में करंट फ्लो हो रहा है इसलिए हम ए भी कंसिडर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड एन। नाउ अब हम देखेंगे, अगर इसको हम रीअरेंज करें, इसको हम ई लिख सकते हैं, हमने इनिशियली देखा था वी पी ए प्लस वी माइनस वी एन बी इज इक्वल टू दिस इज ई। और अगर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वी पॉजिटिव माइनस ऑफ वी निगेटिव प्लस वी ए बी। ये किस केस में हम डिराइव कर रहे हैं, जब आर इज फाइनाइट। सो यहां हमने देखा था वी पी एन वी प्लस प्लस वी माइनस, ये कितने बराबर हुआ, ई एम एफ दैट इज ई। इस टर्म के आगे हम ई लिख सकते हैं, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज ई एम एफ प्लस। अब बात आई वी ए बी की वैल्यू क्या हुई, सो अब ए बी जो है क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अपोजिट बी टू ए जा रहा है, सो हम वी ए बी की वैल्यू क्या लिखते हैं। मान लेते हैं करंट आई फ्लो हो रहा है और ये जो सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जो कि इंटरनल रेसिस्टेंस है, उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दैट केस वी ए बी होगा माइनस ऑफ आई इंटू आर। नाउ अगर हम वी पी एन, नाउ इस केस में सो हमने देखा कि अगर सर्किट ओपन है, अगर कोई सेल है, वो कोई करंट अगर विड्रॉ या ड्रॉ या फ्लो नहीं करा रहा है, इन दैट केस जो ईएमएफ होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। बट अगर कोई रेसिस्टर कनेक्ट है या कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्ट है सेल के अराउंड, तो जो करंट फ्लो होगा आई, इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट, वो क्या होगा, ई माइनस आई आर। ये ई है ई एम एफ ऑफ द सेल, दिस आर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, इसको हम डिफरेंस कर सकते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल,
अब एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि हम देखेंगे डेरिवेशन के थ्रू, क्योंकि हम जानते हैं VPN जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। अगर हम इसको V से डिनोट करते हैं, लेट अस कंसीडर VPN इज इक्वल टू कैपिटल V, इफ दिस इज VPN इज इक्वल टू, हमने कैपिटल V से डिनोट कर दिया, इन दैट केस कैपिटल V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू E माइनस IR। E है EMF ऑफ सेल, I है द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी और यू कैन सेल, R इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब इस सर्किट को देख के हमें क्या आइडिया हो रहा है कि V जो है वो IR के बराबर भी है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IR। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ऑब्वियसली है ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों को हमने इक्वेट किया E माइनस। नाउ अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, सो दिस इज E डिवाइडेड बाई R प्लस R। सो नाउ हम इसको इस डेरिवेशन या ये जो रिजल्ट हमारा आया है इससे क्या हमें आइडिया हुआ कि अगर कोई सेल है जिसकी ईएमएफ वैल्यू तो सेल की अपनी खुद की होती है, ये दिया रहेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस आर दिया है और एक्सटर्नल रेसिस्टर जो है वो आर है जिससे सेल कनेक्टेड है, इन दैट केस जो करंट बैटरी से और जो करंट सेल से फ्लो होगा उसको हम क्या बोल, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई डिवाइडेड बाई द आर प्लस आर। ये नेट रेसिस्टर होता है सर्किट की, जिसमें नेट रेसिस्टर कितना हो गया सर्किट का, इंटरनल रेसिस्टर प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। नाउ इन दिस केस अगर मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होगा इस सर्किट में, मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होगा कि अगर हम, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है सेल का ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट है, सो टोटली डिपेंड करता है आर पे। अगर आर की वैल्यू लेस है इन दैट केस आई विल बी मोर, आई ज्यादा होगा, और अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो I की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी, यानी जो करंट सेल से विड्रॉ करेगा एक्सटर्नल रेसिस्टर वो टोटली डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के वैल्यू पे। नाउ हमने ओवरऑल आज के लेक्चर में क्या देखा कि सेल क्या होता है, सेल के दो पैरामीटर्स होते हैं ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कब कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है, सो ईएमएफ को हम डिफाइन कर सकते हैं, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, या ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स का जब सेल से कोई करंट नहीं विड्रॉ किया जा रहा है। सो दिस इज ओवरऑल। नाउ एक टर्म था इंटरनल रेसिस्टेंस, तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या था, तो इंटरनल रेसिस्टेंस इज दैट रेसिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कोई भी सेल है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो जो रेसिस्टेंस सेल का इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है उसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। और दो इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने देखा कि जब भी सेल को किसी एक्सटर्नल एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं तो आउटसाइड ऑफ द सेल यानी एक्सटर्नल टू द सेल जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है, और सेल के अंदर यानी इनसाइड सेल जो करंट फ्लो होता है वो कहां होता है, निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है। सो दिस इज ऑल ऑफ टुडे लेक्चर, जिसमें हमने दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट देखा, ईएमएफ वोल्टेज पोटेंशियल ईएमएफ देखा, ईएमएफ क्या होता है वी प्लस प्लस वी माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी एक्सटर्नल एलिमेंट रेसिस्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं इन दैट केस तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा रेसिस्टर के अक्रॉस वो E माइनस आई आर ईएमएफ माइनस जो पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टर इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण है। इस पूरे इक्वेशन को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो फाइनली वी कम टू नो दैट
Vp यानी दिस इज पोटेंशियल वोल्टेज इज इक्वल टू E माइनस आई आर अक्रॉस द कैप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द आर, दिस इज द ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट सेल, और दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल. तो फाइनली सेल जब किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट होता है तो उसका जो सर्किट हुआ, सर्किट डायग्राम हुआ, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है जिसमें R इज द एक्सटर्नल रेसिस्टर जिसके अक्रॉस सेल कनेक्ट है, E इज द ईएमएफ ऑफ द सेल और R इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल. ये टोटल पार्ट सेल का पैरामीटर है. सो आज के लेक्चर से हमने सेल और ईएमएफ, उसके ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में देखा. होप कि इस लेक्चर से ये दो टर्म, जो तीन टर्म है सेल के, सेल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस, क्लियर होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.